निवासी हूँ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी है। पानी की समस्या इतनी कि 4-6 दिन में इतनी कम स्पीड से पानी आता कि हम उसको पिए या नहाए या धोए या सफाई करें कुछ समझ नहीं आता। ये स्थिति यहाँ की है और प्लस यहाँ सुअरों की परेशानी है। यहाँ सफाई कर्मचारी टाइम पे आते ही नहीं है। अगर हम उनको आते हैं या कुछ बोलते हैं तो गलत व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ और उल्टा गुस्सा होकर धमकी देते हैं उल्टा हमको, और सारा पैसा बात बात का सब कुछ देने के बाद भी हम लोग इतने परेशान। आज मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि घर में पानी नहीं है, बैठे हैं पीने का पानी है, खरीद के लेके आए भाई पानी। ये स्थिति यहाँ की है। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अजमेर सिटी में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई गांव खेड़े में रह रहे हैं। ऐसा ये स्थिति है यहाँ की। हेडपंप सही नहीं चल रहा है, नल में पानी नहीं आता बिल्कुल। आज क्या करा? आज हमने मटका फोड़ प्रदर्शन करा है यहाँ पे और आगे भी बहुत कुछ करेंगे हम। यही स्थिति रही तो साला बहुत बहिष्कार करेंगे हर चीज का। फिर रेखा शर्मा, मीटर लगाए हैं पूरी नागफनी में, क्या पूरी जगह पे 9 मीटर लगाए हैं, तब से पानी इतना वासर कम आ रहा, पानी का प्रेशर कम आ रहा, वासर डाल दिया, क्या डाला है इन्होंने कुछ पता नहीं है। यहाँ पीने को तरस रहा, नहाने धोने की बात कौन कर सकता है, समझ लो। बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी हो गई है, जब से ये नई सरकार क्या बैठी है तब से इसने पानी की इतनी दिक्कतें खड़ी कर दी है जिसका कोई जवाब नहीं। आज हमने प्रदर्शन करा है सारा मटके फोड़ फोड़ के और आज हम यहाँ पर आए, कल हम वहाँ पर भी जाएंगे। मेरा नाम विजय लक्ष्मी। पानी की इतनी समस्या है कि जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ परेशान हो गए हैं बेचारी महिलाएं, कम से कम भी इतनी दूर दूर तक इतनी चढ़ाई पर हेडपंप से पानी ले जाती है, हेडपंप तक में पानी नहीं आता है। यहाँ कुंदन सिंह ने आके कभी नहीं देखा, वासुदेव नानी से भी हमने कितनी बार शिकायत की है लेकिन वासुदेव नानी जी ने भी कभी यहाँ आके नहीं देखा कि इन इंसानों को परेशानी होती है कि नहीं होती है, इनको बेचारे पानी की क्या दिक्कत है कि नहीं है। जब आते हैं बस यही आश्वासन देते हैं कि हाँ पानी आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा बहुत मुसीबत है। आज क्या किया? आज साहब पानी की वजह से महिलाओं ने सबने मिलकर पानी के लिए प्रदूषण किया, मटकियाँ वगैरह फोड़ी है और अब यही आपसे निवेदन है कि हमें हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाई जाए।